सदर थाना के SHO और पुलिस कर्मियों पर एक मामले में व्यक्ति को थर्ड डिग्री देने का आरोप लगा है। जमीनी विवाद के चलते व्यक्ति पर FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद थाने में पुलिस कर्मियों और SHO ने व्यक्ति के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। इस मामले में व्यक्ति और उसके परिजन आज IG भारती अरोड़ा से मिले। आपको बता दें कि भैनी खुर्द गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। बताते चले कि आरोप लगे हैं कि सदर थाना के SHO ने अपनी टीम के साथ इस व्यक्ति संदीप को उठा लिया, उसके खिलाफ FIR हुई, लेकिन थाने में पूछताछ करने की बजाय संदीप को बुरी तरह से मारा पीटा गया। कमर से लेकर आंख या फिर टांग सब पर चोट के निशान है। वहीं युवक को छुड़वाने के लिए भैनी खुर्द गांव से काफी लोग IG भारती अरोड़ा से मिले थे, जिसके बाद युवक को छोड़ा गया और जांच कमेटी बनाई गई। वहीं आज फिर इसी मामले में इंसाफ की गुहार लगाते हुए संदीप और उसके परिजन IG भारती अरोड़ा के पास कार्यवाही की मांग को लेकर पहुंचे। वहीं सदर थाने के SHO बलजीत का कहना है कि जो आरोप उनके ऊपर उनके थाने के पुलिस कर्मियों पर लगाए जा रहे हैं वह सब गलत और झूठे हैं। इस पर जांच करने के लिए IG ने DSP के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई है। बहरहाल थर्ड डिग्री के मामले के आने के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना यह होगा कि जो जांच टीम इस मामले की जांच कर रही है उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है, और क्या अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो थर्ड डिग्री देने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही होती है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मैं संदीप कुमार भैनी खुर्द से का निवासी हूँ जी, और मैंने यहाँ गांव भैनी खुर्द में ठेके पे छः एकड़ ज़मीन ठेके पे ली रखी है जी, और उसके बाद मुझे थाने में बुलाया गया। यहाँ से सदर थाने से मैं थाने में गया तो उन्होंने मेरे साथ कोई बातचीत ना करते हुए मेरे साथ मारपीट की। पहले उन्होंने मेरे को यहाँ थाने में अच्छी तरह खूब पीटा। जब उनकी पूरी तसल्ली होने के बाद वो मुझे CIA में लेके चले गए। फिर वहाँ मुझे मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपिटाई की। मारपिटाई करने के बाद वो मुझे थाने में ले गए, फिर मेरे थाने में लेके आए और फिर मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि या तू ज़मीन छोड़ दे, नहीं तो तेरे खिलाफ़ इससे भी बड़ा केस दर्ज कर देंगे, और मुझे धमकी दी जा रही है बार बार। तो कौन से थाने का मामला है ये? सदर थाना करनाल का मामला। तो कौन कौन पुलिस अधिकारी थे ये? बलजीत SHO और नरेंद्र SI, एक संदीप और एक रणधीर, इन चारों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की है। तो IG मैडम से पहले भी मिले थे आप? IG मैडम से मिलने आए थे हम, गांव के 200-300-400 आदमी मिलने के लिए आए थे। IG मैडम ने ही मेरे को यहां से रिलीव करवाया था, और IG मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो लाइन हाजिर भी किया था किसी को? एक नरेंद्र कुमार को पता लगा था कि नरेंद्र कुमार को पंचाया और फिर मैडम का करते हैं। मैडम ने हमारी सुनाई करी और मेरे कहे से मेरा लड़का यहाँ पर 400-500 आदमियों के दलबल के साथ हम यहाँ पर आए, और उन्होंने हमारी गुराह को सुना और उसको छोड़ा दी। आज हम ये कर रहे हैं कि हमारे साथ जो भी न्याय हुआ हमें न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इस बलजीत के मेरे खिलाफ बिल्कुल जमीन नजायज कराया, और जबकि ना के ये सदर थाने में पड़ता तरौड़ी थाने का केस है, इनने कुछ संबंध के कारण या कुछ लेते के जब ये काम किया है। सर क्या पूरा मामला था कि ये जमीन ये मेरे लड़के ने ले रखी थी जी, जमीन की फर्द भी ले रहे जबकि उसके पास कुछ भी सबूत नहीं है। जमीन में ना उस राहुल की बहू का कुछ है और ना राहुल का, जमीन पायल का नाम है, पायल से हमने जमीन ली है जो हमारी भतीजी लगती है, तो उसके कारण बार बार ये धमकी दे रहा। खुद मेरे को अपने आप अंदर बुला के थानेदार SHO ने बलजीत सिंह ने यह कहा, अच्छा तुम जमीन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लड़के के ऊपर कोई केस नहीं करूँगा। तो पुलिस क्यों इसमें? पुलिस ने ये खुद थाने के अंदर मेरे को बोला उनका जमीन से क्या लेना देना है, तो यही नहीं पता रहा कि भाई तो जमीन पे चावा क्या है। तो कुछ कोई सच्चाई नहीं जी छेड़खानी में, तो बाकी ये है इन्होंने ठेके पे जमीन ली थी जी, और ये जिसकी जमीन वो बता रहे हैं कि हमारी जमीन है, उनकी जमीन है नहीं, क्योंकि ये फर्द भी ले गए अभी साथ में लाए हैं और इसका एफिडेविट भी साथ में हमारे पास है। तो ये जमीन पायल से ली है, ना कि वो जिसका नाम ले रहे हैं राहुल, हाँ राहुल से ली। तो जब उसकी जमीन ही नहीं है तो उसने FIR दर्ज करा के झूठी FIR दर्ज कराई, या उनको SHO को बता के ये पूरा SHO ने जबरदस्ती इनसे जो मार पटाई थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया। अगर चलो अगर मान ले उनको झूठी या सच्ची कुछ भी FIR मिली है तो बातचीत कर सकते थे, इसका थर्ड डिग्री इस्तेमाल हुआ है तो मैं खुद मिला इसे तो कहीं दिन तो मतलब
आवाज भी नहीं निकली गले से। तो इतना बुरा तो किसी मर्डर वाले के साथ भी नहीं होता जितना इन लोगों ने इसके साथ किया है। क्या कार्रवाई चाहिए? तो हम ये चाहते हैं अपना आईजी मैडम से हम मिले और उन्होंने कहा कि भी इसका पूरा न्याय मिलेगा आपको। हम ये चाहते हैं कि भी जो बलजीत है, जो चारों आदमी है जो थाने के, ये सदर थाने के, इनको मतलब बर्खास्त करना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो बिना मतलब से ऐसे जनता को परेशान करेंगे तो ये कहां तक जनता किधर जाएगी अगर पुलिस ही ऐसे करेगी। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। इस विवाद के बारे में जो उन्होंने आरोप लगाए हैं झूठे, उसके बारे में मैं आपको एक बार ये मैटर बताना चाहता हूँ कहाँ से शुरू होता है। गांव बैणी का एक परिवार है जिसकी लगभग 30-32 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन पर दो पक्ष हैं एक ही घर के। एक तरफ है लड़का और उसकी वाइफ, दूसरी तरफ है उस लड़के की मदर, सिस्टर और ये पक्ष दूसरा हो गया। तो इन बैणी गाँव वाली जो ज़मीन पर ये लड़के के नाम लगभग 5-5.5 एकड़ ज़मीन है, बाकी ज़मीन उसकी मदर या उसकी सिस्टर के नाम वो चली गई है। उसके संबंध में उनके पर्चे भी दर्ज हैं। एक पक्ष का कहना है कि ये जो ज़मीन गई है धोखेधड़ी से, चीटिंग से, नशा करके ऐसी रजिस्ट्रियाँ करवाई गई हैं, उसके संबंध में FIR अलग से रजिस्टर्ड है उनकी। लगभग 4-5 FIR इस विवादित ज़मीन के संबंध में रजिस्टर्ड है। इस बार जब ये नया ठेका देने का सीज़न होता है, मार्च अप्रैल में जब इन्होंने ठेका दिया, तो लड़का जो पक्ष है, लड़का और उसकी जो पत्नी है, उनको पता लगा कि इस बार हमारी माँ और सिस्टर इसको ठेके पे किसी और को देना चाहती हैं, वो कैसे दे सकती हैं। तो जब उनको पता लगा कि ये ज़मीन तो हमारे नाम से ट्रांसफ़र हो गए और मदर और सिस्टर के नाम जा चुकी है, तब यहाँ कब्जे का जो दो जगह इनकी ज़मीन है, एक भैणी गाँव में है लगभग 8 एकड़ के करीब और 22-23 एकड़ इनकी रुकनपुर में है जो थाना सदर एरिया में पड़ती है। जब इस ज़मीन को ठेके पे एक पक्ष ने दिया ठेकेदारों को, तो दूसरे पक्ष ने एतराज़ किया, जिसके संबंध में इनकी कंप्लेंटें हमारे पास 2-3 कंप्लेंटें आई। जैसे ही जिस पार्टी की तरफ से कंप्लेंट आती उसी पे जो प्रिवेंटिव, दोनों पार्टियां अग्रेसिव हो जाए। हमारे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं सभी पे इनका प्रिवेंटिव एक्शन कर दिया गया है। यदि FIR बनती थी तो उस पर FIR कर दी गई है। 3 FIR हमारे थाने में इन दोनों पार्टियों के संबंध में दर्ज है एक दूसरे के खिलाफ, और यहाँ 3 FIR दर्ज होने से पहले भी इनके लगभग 4-5 FIR आपस में दर्ज हो चुकी है। जो संदीप नाम का व्यक्ति है जिसने आरोप लगाया है पुलिस के ऊपर, इसके खिलाफ जो राहुल है उसकी पत्नी ने कंप्लेंट दी थी कि मेरे को जान से मारने की धमकी दो नौजवान लड़कों ने दी है, और यह धमकी 5-6% पे एलिगेशन लगाया था कि जो हमारा दूसरा पक्ष है उनके द्वारा दिलवाई गई है और मुझे खतरा है। और जो संदीप उर्फ दीपू है बैणी गाँव का, वो गुंडा तत्व है, जो उसने बताया, जो उसने एलिगेशन लगाया कि ये क्रिमिनल टाइप का आदमी है और हमारी ज़मीन को ये काबिज होके दूसरे पक्ष के साथ इस पे कब्जा लेना चाहते हैं। उस संबंध में उसको जो कंप्लेंट है ASI नरेंद्र द्वारा डील की गई, IO द्वारा उसको बुलाया गया, उसके बारे में पूछताछ भी की गई और जो भी प्रिवेंटिव एक्शन उस पर बनता था किया गया। FIR भी उस कंप्लेंट पर दर्ज की गई है। विधि अनुसार जो कार्रवाई बनती थी वो उसके खिलाफ की गई है। और बाद में संदीप उर्फ दीपू के बारे में जब रिकॉर्ड पड़ताल की गई कि किस प्रकार का यह व्यक्ति है, तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पाया गया। सिटी थाना में मुकदमा दर्ज है अंडर सेक्शन 384 IPC, एक्सटोर्शन का पर्चा दर्ज है जिसमें यह गिरफ्तार भी हो चुका है, इसने ट्रायल भी फेस किया है कोर्ट में। और एक मुकदमे में हमारे थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें भी ये बेल पर है। सर, उसने आरोप IG साहब ने DSP साहब को जांच के लिए जो उनकी कंप्लेंट थी वो सौंपी हुई है, जिस पे DSP साहब जांच कर रहे हैं। आरोप इसके सरासर गलत है। हमारे IO के द्वारा जो प्रोसेस है मेडिकल करवाना और जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ वो सारा किया गया है। अब बाद में जो इसके द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं वो जांच में साबित हो जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.